केंद्र सरकार की ओर से कोरोना काल में दिए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज का प्रदेश में क्रियान्वयन सही तरीके से हो, इसके लिए प्रदेश भाजपा की ओर से कमेटियां गठित की गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी। पूनिया ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दिए गए पैकेज से प्रदेश के 4,46,00,000 लोगों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार ने गरीब, दलित और छोटे व्यापारियों के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। MSME के माध्यम से 30,00,000 व्यवसायियों को ऋण से सहायता मिली है। जो कवर होंगे उसमें पाली, उदयपुर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, अलवर, करौली, भरतपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू और जयपुर। ये पूरे आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज की राजस्थान में अच्छे तरीके से क्रियान्विति हो, इसके लिए प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर हमने कुछ कमेटियों को निश्चित किया है कि जो इसके क्रियान्विति का काम देखेंगी, और उसमें श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, श्रीमान रामचंद्र जी बोरा, हमारे पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता सुशील कटारा जी, पूर्व मंत्री अनीता बघेल जी और हमारे पार्टी के प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष महेंद्र बोरा जी, ये 5 लोगों की समिति, इन्होंने नीचे जिले की भी संयोजक और सह संयोजकों की घोषणा की है और प्रत्येक जिले में इसका एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से हो जाए इसकी चर्चा भी